चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में विकास खंड पुरकाजी माननीय विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी ने विकलांगों के लिए जरूरी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। बैसाखी, ड्रेस चेंजर आदि उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनका वितरण अगले नवंबर में दिनांक विकास खंड पुरकाजी में किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी तथा विकलांग कल्याण की ओर से इंतजार धर्मेंद्र और आदि उपस्थित रहे और माननीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल मंत्री कपिल कश्यप, पूर्व मंडल सुपर सिंह, पूर्व जिला मंत्री विनोद त्यागी डॉक्टर से, केपी सिंह, जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह पिछड़ा वर्ग में उपस्थित रहे। जो हमारे विधानसभा में दो ब्लॉक पड़ते हैं, जितने बेचारे विकलांग हैं जिनको ट्राईसाइकिल, पेंशन, शादी का अनुदान की आवश्यकता है, ये शहर में जाकर लगा देते हैं। मैंने आज इनको परसों निर्देशित किया था कि पुरकाजी ब्लॉक में एक कैंप लगाइए, डॉक्टरों को लेके चलिए। आज यहाँ पर डॉक्टर की टीम, विकलांग के जो अधिकारी वीडियो, आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जितने 40% तक के लोगों को जो विकलांग हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता, जैसे व्हील साइकिल है, अपना वो छतरी है, छाता, पेंशन है, किसी चीज़ की जिसको है, कैप है, जिनको जिसकी जो आवश्यकता है उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं अब तक 18 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो 40% से 80% तक है, वे सब उस अनुदान जो सरकार की तरफ से अनुदान है उसके लायक है। मैंने अधिकारी को निर्देशित किया है कि ये कब तक आपके जो सामान बटेगा वो ब्लॉक में ही अपने सदर उनका जी ब्लॉक में बटेगा। अगले महीने नवंबर में या तो शुरुआत में या नवंबर के लास्ट में, जितने भी आज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको नवंबर तक जिसको जैसी सुविधा है, जिसको साइकिल की वेट चेयर की जिसकी वजह से आ सकता है, उसको यहाँ उसका उपकरण को लाकर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ही कैंप लगे, आज का हमारा अध्यक्ष यही था। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ विधानसभा देखते कि कोरोना महामारी पूरे देश को अपनी जकड़ में ले रखा है। थोड़ा लोगों से ये है कि जब आप किसी काम से घर से बाहर निकले तो मुंह पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक देश में या दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो चुकी। अभी समय लगेगा, जब वैक्सीन हो जाएगी तो हमें अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। इस कोरोना की जंग हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि हमारे देश में मोदी और योगी जैसे हमारे देश को, प्रदेश को चला रहे हैं। हम इस कोरोना से लड़ाई से जरूर जीतेंगे।